हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, दैट इज नीट वोयाश। ये अनअकैडमी के द्वारा एक नया चैनल है जिससे आपको हम हेल्प करेंगे आपके सपनों को सच करने में, आपके जो डॉक्टर बनने का जो सपना है उसको साकार करने में। तो बच्चों, आई होप आप एक्साइटेड होंगे एंड आई एम श्योर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लेक्चर 1 है वो देखा होगा और उससे आपको कूलम्स लॉ का बहुत आइडिया मिला होगा कि कूलम्स लॉ होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 2, और इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको समझेंगे, एक डेफिनेशन समझेंगे, एक दो फॉर्मूला देखेंगे और उसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, आज आपके लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप लोग बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करोगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ बच्चों। तो जैसा कि प्रीवियस सेशन में आप सब पूछ रहे थे कि कैसे टाइम टेबल क्या होगा, कब रेगुलर टाइमिंग होगी, क्या आप कौन सा चीज़ पढ़ाओगे, बहुत ही जल्दी बच्चों इन सारी चीज़ों के आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा लेकिन बहुत ही जल्दी आपको सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे और हमारी ये जर्नी जो है वो बहुत अच्छी, आई एम श्योर बहुत अच्छी होती जाएगी। लेकिन बच्चों, उसको और अच्छा करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना पड़ेगा ताकि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना आपके सपनों के साथ मैच होता है उनको फ़ायदा मिले। बच्चों, तो आप बस सब्सक्राइब करते जाइए और इसको शेयर करते जाइए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल पहुँच पाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बहुत ही जल्दी आपके साथ हम इंटरेक्ट भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 2। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ कि मेरा नाम है विभाती जैन। आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आई हैव 4.5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चों, तो यहाँ पे इस 4.5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे, मतलब 5,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है फॉर IIT JEE मेन्स, एडवांस, NTSC, नीट, CBSE, इन सब के लिए, राइट। अब बच्चों, यहाँ पे तो हम आपके साथ हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ बने हुए हैं और हम आपके साथ डटे रहेंगे आपके सपनों को पूरा करने में। लेकिन अगर आपको और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बिकॉज हर बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, राइट। किसी को ज़्यादा स्पीड में समझ आते हैं, किसी को कम स्पीड में समझ आता है, किसी को थ्योरी ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को न्यूमेरिकल ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो अगर आपको अपने पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो उस केस में आप हमारा जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, उसको आप ले सकते हैं बच्चों। और आप ये जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन आपको एक लेना है लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो हज़ारों हैं। आपके पास लाइव क्लासेस रहेंगी, आप अपने एडुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप अपने एडुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइव पोल्स होंगे, लीडर बोर्ड चलेंगे। बच्चों, लीडर बोर्ड में अगर आपका नाम फ्लैश होगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। लाइव पोल्स में अगर आप देखोगे कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं सही आंसर दे पाते हैं और अगर आप उसमें स्टैंड करोगे तो बहुत ही आपको, ट्रस्ट में, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ हमारे पास आपके लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं और एनालिसिस होगा इन सारे टेस्ट का। तो उससे हम आपकी जो वीकनेसेस हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर आप फोकस कर पाओगे और अगर आपकी जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो आपको पता चल जाएगा तो आप टाइम रहते उसको इम्प्रूव कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट है आपका जो लाइफ डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं वो आपके साथ बने रहेंगे ताकि आपका जो, जब आप पढ़ाई करोगे तो उस टाइम पे आपको कोई भी अड़चन ना आए, इसलिए यहाँ पे आपके पास लाइफ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे बच्चों। तो देखिए, आप देख सकते हैं बहुत सारे फायदे हैं हमारे पास और ये सारी चीज़ें आपको करने को मिलेंगी इंडिया के सबसे बेस्ट एडुकेटर्स के साथ। बच्चों, तो देर किस बात की है, आपको बता देती हूँ कैसे ये सब्सक्रिप्शन लेना है, राइट। सब्सक्रिप्शन लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे हम, इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे प्लस पे जाएंगे। प्लस पे जाके हमें क्या क्लिक करना है, हमारा गोल। हमारा गोल क्या है, नीट UG। ये आपका भी गोल है और साथ साथ हमारा भी गोल बन चुका है। जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे हम आपके साथ बने रहेंगे, नीट UG, राइट।
और फिर यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन ये जो दो ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है दैट इज वेरी लेस, और भी आप इसको कम कर सकते हैं कैसे, अगर आप विभाती लाइफ कोड अप्लाई करते हैं। विभाती लाइफ कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 10% और ऑफ मिलेगा, जिससे आपकी जो फीस है वो और कम हो जाएगी और आप यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को अवेल करा सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमने बात की थी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी भी चार्ज के रेस्पेक्ट में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उस चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर कोई और चार्ज पार्टिकल उसके फोर्स को या उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर पाए, राइट? तो उस टाइप का जो रीजन होगा किसी भी चार्ज के अराउंड, दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पे हम दो टर्म्स डिस्क्राइब करते हैं। पहला आपका सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज होगा जिसके इन्फ्लुएंस को या जिसके फोर्स को हमें देखना है कि ये सोर्स चार्ज जो है उसके आसपास अगर किसी चार्ज को रखे तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट? यहाँ पे एक और हम टर्म बताते हैं क्यू नॉट, विच इज अ टेस्ट चार्ज, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लाके रख देंगे आर डिस्टेंस पे। तो अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ऑन अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ नहीं है, आपकी क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो आपका कैपिटल क्यू फोर्स लगाता है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज, तो इसका यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, और आगे हम जाके पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद दैट इज वोल्ट पर मीटर, राइट? यहाँ पे हम जो आपका सोर्स चार्ज है वो तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज को हम बहुत ही स्मॉल रखेंगे ताकि ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, उसको चेंज ना कर पाए, राइट? तो यहाँ पे आपका जो वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये सोर्स चार्ज है उसके रीजन में ये आपका जो टेस्ट चार्ज आता है तो क्या होता है, उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करता है और रिपल्शन के कारण वो क्या जाता है, उससे दूर जाता है। मतलब आपका जो टेस्ट चार्ज है, जो टारगेट चार्ज था, वो सोर्स चार्ज की देखो कहाँ पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, राइट? तो यहाँ से अगर आप बच्चों देखोगे तो अगर फोर्स की बात करें तो दैट इज क्यू ई वेक्टर, क्यू नॉट ई वेक्टर, राइट? तो फोर्स ऑन एनी टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इन टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, राइट? अब बात करते हैं कि अगर फोर्स पॉजिटिव, चार्ज आपका पॉजिटिव है तो उस केस में फोर्स कैसे लगेगा, और चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स कैसे लगेगा, और फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं इस पर फटाफट से। तो बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है और उसके अराउंड आप क्यू नॉट चार्ज लेके जाओ तो ये क्या करेगा, रिपल्शन के कारण इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। मतलब जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को अपने से दूर फेंकेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, राइट? ओके, वैसे ही अगर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज की, नेगेटिव सोर्स चार्ज की बात करें और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखे पॉजिटिव, तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो उस केस में क्या होगा, अपनी तरफ खींचने की वजह से उस केस में जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स दी चार्ज बनेगी, कहाँ बनेगी, टूवर्ड्स दी चार्ज, राइट? तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे हो जाती है एंड नेगेटिव चार्ज के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज टूवर्ड्स दी टेस्ट चार्ज। आई होप आपको ये क्लियर होगा।
अब बात करते हैं फोर्स, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई वैक्टर, राइट? फोर्स वेक्टर इज एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई वैक्टर. तो यहाँ पे अगर फोर्स आपका पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, राइट? लेकिन अगर हम माइनस क्यू की बात करें तो ये माइनस क्यू ई वैक्टर हो जाता है, और माइनस साइन लग जाए तो वो क्या करता है, वैक्टर क्वान्टिटी के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, 180 डिग्री से पलटा मार जाती है आपकी वैक्टर क्वान्टिटी. तो उस केस में जो फोर्स लगेगा दैट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर, राइट? तो फोर्स जो है दैट इज ऑपोजिट टू ई वैक्टर, राइट? तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है आगे हमें. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10^-3 किलोग्राम एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 × 10^-19 कूलम. ओके, तो एक काम करते हैं, वाटर ड्रॉप का हम डायग्राम बना लेते हैं हल्का सा, कि मास है तो देखो mg तो लगेगा, लगा लेते हैं इसको नीचे, ठीक है? मास है तो mg लगेगा नीचे 10^-3 किलोग्राम इंटू जी. ओके, इसको सपोर्ट करना है. बोला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जरूरत पड़ेगी हमें ताकि ये जो वाटर ड्रॉप है वो चुपचाप वहीं पे बैठी रहे. तो इसको सपोर्ट कैसे करेंगे, अगर ऊपर की तरफ एक सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दे तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है. वो फोर्स कितना होना चाहिए, एम जी के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ, राइट? तो ये चलो फोर्स लगा दिया हमने, राइट? अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन ये आता है. तो बोला गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके पास चार्ज है तो इसको फोर्स मिल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, कितना, क्यू इंटू ई. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रहेगी और फोर्स भी आपका क्या रहेगा, ऊपर की तरफ. पॉजिटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भाई भाई सेम डायरेक्शन में लगेगा, राइट? तो उस केस में आपका जो एम जी है दैट इज 10^-3 इंटू जी एंड दिस फोर्स इज क्यू ई. तो ई आपका आ जाएगा 10^-3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय क्यू. क्यू कितना दे रखा है, 1.6 × 10^-19. तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 1.6, अप्रॉक्सीमेटली 10 डिवाइडेड बाय 1.6, 6.125, और ये हो जाएगा आपका 10^+16. और हमने यूनिट क्या देखा था, न्यूटन पर कूलम, राइट? तो अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसे ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करता है तो ये आपकी वाटर ड्रॉप चुपचाप बैठी रहेगी. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है बच्चों. यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मुझे न्यूटन सेकेंड लॉ भी लगाना पड़ा, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ भी लगाना पड़ा. तो ये चैप्टर इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल है. आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी चैप्टर घुसा सकते हो. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ओके, व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट से हमने इसको एक्सेलरेट किया तो ये 6 सेंटीमीटर भाग गया. किसमें एक्सेलरेट किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जिसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10^-6 न्यूटन पर कूलम. ओके, तो हमें बताना है कि 6 सेंटीमीटर जाने में इस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा. ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है. डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स 6 सेंटीमीटर, तो ये इसको मीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है. बहुत बच्चे यहाँ पे मार खा जाते हैं, 6 सेंटीमीटर लगा के आंसर सही करके आते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. तो ये हो जाएगा 6/100 meter. यहाँ से रेस्ट से एक्सेलरेट किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो बनती है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 2 × 10^-4 न्यूटन पर कूलम. तो आपको बताना है कि टाइम ऑफ ट्रैवल क्या होगा. तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँ तो मैं आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकती हूँ. तो एक्सेलरेशन क्यू ई इज इक्वल्स टू फोर्स हो जाएगा. तो आपका एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास विच इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम. ओके, ए भी आ गया.
तो यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? ये देखो क्यू कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो उस केस में तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो ओवरऑल आपका जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट, तो इस केस में आप चुपचाप से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगाते हैं। तो यहाँ से आप इक्वेशन कौन सी लगाओगे? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास ए है, हाफ तो हमें पता ही है, यू है और एस भी है, तो आप टी आराम से निकाल सकते हो। एस कितना है? 6/100, और ये आपका हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यू टी क्या है? जीरो है। क्यों? रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, तो ये हो जाएगा हाफ ए दैट इज क्यू ई बाय एम, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, ये कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सिमेटली 9 × 10⁻³¹ ले लेते हैं, इनटू टी स्क्वायर। तो यहां से आपको ये जो लगभग वैल्यू मिलेगी, टी स्क्वायर इज अप्रॉक्सिमेटली 6 × 2 × 9, तो 12 × 9 × 10⁻³¹ या 12 × 9 × 10⁻³¹ डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 100 × 1.6 × 10⁻¹⁹ × 2 × 10⁻⁴, तो ये आपका टी स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ से आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको फाइनल आंसर आपका टाइम मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने न्यूटन्स लॉ लगाया था, इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, राइट? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या क्या नहीं अप्लाई कर सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा चैप्टर है जहां पे आप ऑलमोस्ट आपने जो 11th में सीखा है सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट। ओके, फिर से रेस्ट पे है ये, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e एंड देन रिलीज्ड। फिर इसको क्या करा है हमने? रिलीज करा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y इज, वो क्या होगा वो हमें निकालना है। तो बोला क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल है मास m का, ओके, उस पर क्यू चार्ज है, ठीक है, रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और रिलीज कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया कि जाओ तुम, ओके। तो उस केस पे आपको बताना है कि इसकी वाई डिस्टेंस कवर करने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ओके, तो कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, मेरे पास एम है, हाफ है, वी स्क्वायर नहीं है, राइट? तो वी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन से पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन आया था दैट इज a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, राइट? एफ क्या है आपका? क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम, ये आपका आ जाएगा a, ठीक है। इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यू स्क्वायर जीरो है, फिर से रेस्ट पे है, तो जीरो टू ए की वैल्यू क्या है? क्यू ई बाय एम इंटू एस, डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? वाई, तो ये आपका आ जाएगा वी स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर रूट नहीं करते, बोला क्या? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में मुझे हाफ एम वी स्क्वायर की जरूरत है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू है टू क्यू ई बाय एम इंटू वाई, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्यू ई इंटू वाई। बच्चों देखो चार स्टेप में क्वेश्चन हो गया, इतना सुंदर सा क्वेश्चन, हाफ एम वी स्क्वायर इज क्यू ई वाई, राइट? सिंपल सिंपल आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमने फिर से इसको अच्छे से एक ही कॉन्सेप्ट लगाया, F is equals to QE, और equation of motion के जरिए इसको हमने सॉल्व कर दिया, काइनेटिक एनर्जी हमारी आई QE by। तो बच्चों ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन, पिछले जो क्वेश्चंस थे उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें हमने स्प्रिंग भी लगा दी, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसका मास है एम और उस पर नेट नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, उसको हम फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखते हैं, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, और ये जो स्प्रिंग है उसको हम वॉल से कनेक्ट करते हैं और उसको अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में रखते हैं और साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू द स्प्रिंग अप्लाई करते हैं। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, राइट?
इस सिचुएशन में अगर ब्लॉक है, स्प्रिंग से अटैच किया, स्प्रिंग को वॉल से कनेक्ट किया, ब्लॉक पे माइनस क्यू रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ई को आपने स्विच ऑन कर दिया पैरेलल टू दी स्प्रिंग, तो उस केस में जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हो क्या रहा है उसको समझते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन अपने आप आ जाएगा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, माइनस क्यू है, ओ माई गॉड, तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि हमने सीखा है फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है। आज हमने यही सीखा है फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स दोनों बाय बाय, नहीं तो नहीं, नो नो, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा, तो ये स्प्रिंग को ऐसे खींचेगा अंदर की तरफ, कंप्रेस करेगा, ब्लॉक को खींचेगा, तो स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होगी। ठीक है, तो उस केस में कंप्रेशन होगा, राइट। कंप्रेशन कब तक होगा, जब तक ये ब्लॉक ऐसे मूव करता रहेगा। ठीक है, जब ब्लॉक रुक जाएगा तो कंप्रेशन भी रुक जाएगा, सिंपल सा फंडा है, ब्लॉक रुकेगा तो कंप्रेशन रुकेगा, यस ओके। कंप्रेशन रुकेगा उस टाइम पे क्या होगा, ब्लॉक आपका एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और उस पर्टिकुलर मोमेंट की अगर हम बात करें, उस पल की बात करें, तो उस केस में जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग का, उसके कारण स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, वो क्यों आएगी, क्योंकि ये फोर्स ने वर्क किया किस पे, स्प्रिंग पे, ये फोर्स ने क्या करा, वर्क किया स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। रिलेशन समझ रहे हो कि हाफ के एक्स स्क्वायर जो आया वो क्यों आया, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जिसने फोर्स लगाया उसने कंप्रेस किया ब्लॉक को, तो उस फोर्स ने वर्क किया कंप्रेस करने में, राइट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ओके, वर्क डन बाय फोर्स एफ इज इक्वल्स टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन मुझे पता है एफ क्या है, क्यू इंटू ई, राइट। एफ क्या है आपका, क्यू इंटू ई, राइट। तो यहां से वर्क डन बाय क्यू इंटू ई इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर होगा, राइट। फाइनल आंसर चलो ठीक है सब निकाल लेते हैं, लेकिन लॉजिक समझना बहुत जरूरी है इसके पीछे, ओके। तो आपका फोर्स आ गया क्यू इंटू ई, वर्क डन क्या होता है, फोर्स एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो मैक्सिमम कंप्रेशन अगर x है तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी x हुआ होगा, यस। तो इस f ने कितना वर्क किया, q इंटू ई, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक x से एक x उड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका जो QE आएगा दैट इज के एक्स बाई टू, और यहाँ से आपका के एक्स आ जाएगा टू क्यू ई, एंड एक्स इज इक्वल्स टू 2QE by K। तो यहां से आपका जो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग का दैट इज 2QE by K। इसमें देखो वर्क एनर्जी के फंडे भी आ चुके हैं बच्चों, देखो वर्क एनर्जी हमने कहां से स्टार्ट किया था, इसको इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ वर्क एनर्जी तक पहुंच चुके हैं हम, राइट। तो एक ही चीज इसमें आपको, आपने जो अगर नोटिस किया होगा तो एक ही चीज की जरूरत है, वो है आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर, किसी और चैप्टर में चाहे आप कितना भी मर्ज कर लो, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपका फाइनल आंसर आएगा ही आएगा, ओके। तो फाइनल आंसर पे फोकस ना करके आप अपने बेसिक्स पे फोकस करो, आपको फिजिक्स बहुत इजी लगने लगेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, एक छोटी सी बात कर लेते हैं फिर वापस आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज है पॉइंट चार्ज, उस बेचारे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पॉजिटिव को ले लेते हैं, उसके बाजू में एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख देते हैं एट अ डिस्टेंस आर, ओके। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, लगेगा यस। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आपका क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट, इसको हम कैपिटल क्यू मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करें तो हमें इसको क्यू नॉट से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बच्चों यहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो आपकी क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है आर डिस्टेंस पे वो भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आएगा। दोनों में फर्क क्या रहेगा, डायरेक्शन का। पॉजिटिव चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड इस फोर्स को, इस चार्ज को इससे दूर भगाएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स दी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स दी चार्ज जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि जब आप दोनों चैप्टर साइमल्टेनियसली पढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मर्ज हो जाता है, मतलब आपके साथ भी होगा जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ लोगे तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सब मर्ज हो जाएगा आपका, मतलब टर्म्स इंटरचेंज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी दैट इज के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू अपन आर स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव की दूर नेगेटिव की उसकी तरफ, ओके। तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब बात करते हैं कि ये तो एक सिंगल चार्ज है तो हमने निकाल लिया, चलो मल्टीपल चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें क्या बोला था कि फोर्स एक चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस के कारण क्या होता है, टोटल फोर्सेस वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो वहां पे एग्जैक्ट यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दो, कैसे, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस एट अ सिंगल पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनकी जितने की भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इन सबका वेक्टर सम आएगी, क्या आएगी, वेक्टर समेशन आएगी। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने लर्न किया है, अब आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने देख लिया, अब क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन, यस, फोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर्स एज शोन इन द फिगर, ओके। ये आपका स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर साइड है और चार इलेक्ट्रिकल चार्जेस को आपने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। आपको बताना है कि इसके सेंटर पी पे जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सिंपल है बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक फंडा है ना उसको अप्लाई करते हैं जो हमने सीखा। तो यहाँ पे अगर हम प्लस टू क्यू की बात करें तो ये पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा वो अवे फ्रॉम इट करेगा, मतलब इसकी जो ये पोजीशन है उससे दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी, लेट्स से इट इज ईवन। अब देखो ईवन का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं आर बोल दूँ, कैलकुलेट करेंगे इस डिस्टेंस को बाद में, अभी आर बोल देते हैं, ठीक है। एक वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस आर बोल दिया, तो ये हो जाएगा के टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कहाँ पे, इस डायरेक्शन में। अब बात करते हैं इसके ऑपोजिट जो प्लस क्यू बैठा है वो भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ देगा सेंटर पे, वो क्या देगा, अवे फ्रॉम इट, तो वो ऐसे ई टू एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ से अगर आप ई टू देखोगे तो वो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों ई वन और ई टू एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, है ना, तो यहाँ पे जो नेट इनका इफेक्ट रहेगा दैट इज ईवन माइनस ई टू, क्यों, ईवन बड़ा है इसलिए हमने ईवन माइनस ई टू किया, और इसका जो नेट इफेक्ट आएगा दैट इज ईवन माइनस ई टू किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और अगर हम ईवन माइनस ई टू करें इन दोनों से तो दैट इज टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर विच इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे दिस इफेक्ट इज के क्यू अपन आर स्क्वायर किस डायरेक्शन में, नेट इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स पॉजिटिव क्यू, ओके। अब हम नेगेटिव पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, तो ये माइनस टू क्यू है वो भी तो कुछ अपनी फील्ड एक्सर्ट करेंगे, यस करेंगे, तो उसका जो नेट इफेक्ट आएगा दैट इज टुवर्ड्स इटसेल्फ। यहाँ पे जो नेट इफेक्ट आएगा वो उस माइनस टू क्यू की तरफ ही आएगा, उसको हम ई थ्री बोल देते हैं। तो आपका जो E3 आएगा दैट इज K, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो K 2Q अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 2KQ अपॉन आर स्क्वायर।
और ई फोर देख लेते हैं, इस माइनस क्यू की वजह से वो कहाँ जाएगा, इसकी तरफ। ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब देखो 2kq/r² ऐसे है, 2kq/r² ऐसे नीचे की तरफ है, राइट। तो नेट इफेक्ट इज e3 - e2। अब ध्यान से देखो इन दोनों का इफेक्ट क्या आएगा, e3 - e4, तो ये हो जाएगा 2kq/r² - kq/r² विच इज kq/r², तो यहाँ पे इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा, हमने क्या करा, दो दो के इफेक्ट निकाल लिए, इन दोनों का इफेक्ट इज e3 - e4 जो इस डायरेक्शन में है। तो बच्चों हमारे पास क्या यहाँ पे रिजल्ट आया, e3 - e4 ऐसे और e1 - e2 ऐसे, ये क्या है 90 डिग्री है, ये स्क्वायर के डायगनल्स जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते, तो 90 डिग्री है और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो इक्वल है। kq/r² kq/r² दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो ये जो डायगनल होगा इन दोनों से जो बनने वाला आपका पैरेललोग्राम है उसका जो डायगनल होगा वो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा बच्चों, एग्जैक्टली ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। तो जो नेट इफेक्ट आएगा दैट इज टुवर्ड्स ऊपर डायरेक्शन, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नेट इफेक्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। पर मैं चाहती हूँ बच्चों कि एक बार आगे बढ़ने से पहले आप खुद इस क्वेश्चन को वापस दोबारा से ट्राई करें, इसमें आपने जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसका बहुत ही बढ़िया आइडिया आपको मिल जाएगा और एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप खुद से इसको कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए अगला क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों को आर्क डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा हुआ है, ठीक है। Q1 is on the left of Q2, चलो ये भी बता दिया कि Q1 Q2 की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, Q1 है Q2 के लेफ्ट में और दोनों का सेपरेशन है R। Q1 भैया है 18 माइक्रोकुलम और ये है 2 माइक्रोकुलम। आपको बताना है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो वो कहाँ होगा। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है तो यहाँ पे ये -2 है और ये +18 है, तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिल सकता है जहाँ पे इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो हो जाए, तो उसको किया कैसे जाए, ठीक है। करने से पहले मैं चाहती हूँ आप खुद भी इसको ट्राई करें, ठीक है। जब हम एक्चुअली इंटरेक्ट करेंगे उस टाइम पे बच्चों मैं आपको मैं चाहूँगी कि पहले आपका आंसर मेरे पास आए और फिर मैं इसको डिस्कस करूँ, राइट। तो Q1 और Q2 18 माइक्रोकुलम -2 माइक्रोकुलम, ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन बोला गया बिटवीन Q1 एंड Q2, लेफ्ट ऑफ Q1 राइट ऑफ Q2 राइट ऑफ Q2। तो मैं एक काम करती हूँ, अज्यूम कर लेती हूँ राइट राइट वाले ऑप्शन दो बार हैं, तो एक बार राइट में पॉइंट अज्यूम कर लेती हूँ ताकि मेरे अगर नहीं होगा तो दोनों ऑप्शन एक साथ उड़ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करती हूँ कि एक पॉइंट है पी जो कि Q2 से x डिस्टेंस पे है और इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं E1 और ये पॉजिटिव है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो होगी वो इनसे दूर जाएगी। -2 माइक्रोकुलम की इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं E2 और ये नेगेटिव है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी तरफ जाएगी। और ये देखो पॉसिबिलिटी बन रही है कि E1 E2 एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हम यहाँ पे देखें रीजन में तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास ही जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। वैसे बिटवीन वाला ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल कर दिया, अब राइट में चेक कर लेते, नहीं बना तो फिर लेफ्ट में चले जाएंगे और क्या, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट पी पे हमने अस्यूम कर लिया E1 E2 हमने डायरेक्शन देख ली, चलो पॉसिबिलिटी बनती है। तो E1 की अगर हम बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 अपॉन Q1 का पॉइंट P से डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस R प्लस एक्स हो जाएगा, सो दिस इज R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड E2 जो होगा दैट इज K Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, तो इसको एक काम करते हैं K Q1 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर को इक्वल कर देते हैं K Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, कर दिया चलो।
तो के से के तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपका Q1 जो है दैट इज 18 माइक्रोकुलम इंटू एक्स स्क्वायर, Q1 x square, और ये Q2 r+x का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो Q2 आपका है -2, तो यहाँ पे सिर्फ हमने ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्शन देख ली, इसलिए मैं माइनस साइन नहीं रखूंगी, 2 माइक्रोकुलम इंटू r+x का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से माइक्रोकुलम माइक्रोकुलम तो आपका माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है वो 18 को 9 से हटा देगा, तो ये हो जाएगा 9 x square इज इक्वल्स टू r+x का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो फटाफट से, तो ये हो जाएगा 3x विच इज r+x, और अगर हम इसको और सॉल्व करें तो आपका 2x r के बराबर आ जाएगा और x आपका r/2। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास जो आंसर आया दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम Q2, और Q2 के राइट में आ गया, क्या ऑप्शन मैच हो रहा है? राइट ऑफ Q2 एट r, नो ये नहीं हो रहा, राइट ऑफ Q2 एट r/2 यस ये हो रहा है, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। अब हम लेफ्ट में नहीं देखेंगे इसको, बिना देखे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज राइट ऑफ Q2 एट r/2। तो बच्चों इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, और आप जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन आप तभी एलिमिनेट कर सकते हैं जब आपको बेसिक फंडा पता है। आज के सेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने, वो सारे उसके डेफिनेशन पे और उसकी डायरेक्शन कैसे, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड पास, बस इन दोनों फंडों को यूज करके हमने सारे क्वेश्चन आज किए हैं बच्चों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम आपके साथ और एक्साइटिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक और बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं बच्चों कि अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, आप जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे प्लस में जा सकते हैं, प्लस क्लिक करने के बाद आप अपना गोल चूज करेंगे दैट इज नीट यूजी, और इस गोल को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे बच्चों। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के लिए, जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, इसमें ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, और इन दोनों ऑप्शन में जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है दैट कैन बी रिड्यूस्ड, कैसे, अगर आप विभाती लाइफ कोड यूज करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो 10% से और कम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप विभाती लाइफ कोड यूज करना ना भूलें। तो बच्चों हमेशा याद रखना, विभाती लाइफ, जब भी आप अपना नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं टू गेट 10% ऑफ यू कैन यूज विभाती लाइफ बच्चों। तो आज के सेशन में मुझे बहुत ही मजा आया, आई होप आप सबको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा, और अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। फिजिक्स को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम है, और जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे यू विल फॉल इन लव विद द फिजिक्स, राइट। सो बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much and stay safe.